चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है द वेंडर ऑफ स्वीट्स बाय आरके रायनन। अभी तक आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम, हेलो जिनेंद्र कुमार जी, हेलो कुणाल। तो चलिए देखिए, आप लोगों में से मैंने आपको यही बताया कि हम यहाँ पर सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज द वेंडर ऑफ स्वीट्स बाय आरके नारायण। ये जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है, फर्स्ट ग्रेड में इस पर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हेलो विनोद सनी, जय हिंद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द वेंडर ऑफ स्वीट। जो ये वेंडर ऑफ स्वीट है, ये आर के नारायणन का बहुत ही फेमस नॉवल है। आर के नारायणन हमारे इंडियन ट्रायो में से एक माने जाते हैं। बाकी दो और हैं, जो हमारे मुल्खराज आनंद है, वो भी हमारे इंडियन ट्रायो में से एक काउंट किए जाते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो है वेंडर ऑफ स्वीट। नमस्कार अनिल मावर जी, हेलो भरत। तो देखिए, इसका जो मेन प्रोटागोनिस्ट है उसका नाम है जगन। जगन जगन इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल, वो इस नॉवल का हीरो है। ही इज़ वेंडर ऑफ स्वीट्स, यानी कि वो एक मिठाई वाला है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक हलवाई है। ही इज़ अ गांधियन, वो गांधी जी को मानने वाला है। आल्सो एंड हैज़ हिज ओन फिलोसफी ऑफ सिंपल लिविंग, उसका अपना खुद का एक तरीका है जिसे वो कहता है साधारण जीना। ही सेज टू द लिसनर, इस नॉवल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है जिसका नाम है कज़न। ये सबका कज़न है, पूरे गांव में, पूरे मालगुड़ी गेज में इसको सब लोग कज़न कहते हैं। सिर्फ एक माली है, अनिल मावर जी आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, कोई बात नहीं, अपने बाद में बात करते हैं, एट प्रेजेंट अपने एक बार स्टार्ट कर लें। तो वो अपने कज़न को ये कहता है, कन्क्वायर टेस्ट एंड यू हैव विल हैव कन्क्वायर्ड द सेल्फ बिकॉज ऑल सेक्स हैव एडवाइस अस। सो वो अपने कज़न को कहता है, ये लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कि आप टेस्ट को जीत लो और आप स्वयं को जीत लोगे, क्योंकि सभी साधुओं ने हमें यही करने की सलाह दी है। द लिसनर वॉज अ कज़न टू मैनी एंड विजिटेड मैनी प्लेजेंट एंड हाउसेज फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ये जो लिसनर है, ये उसका कज़न है, जो कि बहुत सारे लोगों का कज़न है। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे गांव वाले ही इसको कज़न कहते हैं, और यह बहुत जगह पर घूमता रहता है, बहुत सारे घरों में ये जाता है। और ये सारा दिन घूमने का काम करता है। ही अराइव्ड एट जगन शॉप एवरी आफ्टरनून अराउंड 4:30, लगभग शाम को 4:30 बजे वो जगन की दुकान पर हर रोज आता है। हिज ओनली इंटरेस्ट वाज टू टेस्ट द न्यू स्वीट्स प्रिपेयर्ड इन द शॉप। शाम को लगभग 4:30 बजे नई मिठाइयाँ बन जाती हैं, तो उसका एक ही इंटरेस्ट था कि वो आकर दुकान में जो नई मिठाइयाँ बनी होती हैं उनको वो टेस्ट करता है। जगन टोल्ड द कज़न दैट ही हैड गिवन अप साल्ट सिंस दैट मॉर्निंग। अब जो ये जगन है ना, इसकी एक हैबिट है कि ये रोज़ कुछ ना कुछ छोड़ता रहता है। जैसे कि अभी वो जगन कज़न को बताता है कि मैंने आज सुबह ही नमक को छोड़ दिया, यानी कि अब से मैं नमक नहीं खाऊंगा। जगन वोर अ जिब्बा कुर्ता ओवर हिज धोती। जगन एक तो धोती पहनता है और धोती के ऊपर एक कुर्ता पहनता है, जिसे साउथ इंडियन में जिब्बा कहते हैं। बोथ ऑफ खादी स्पन बाय हिमसेल्फ, और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जिब्बा और ये जो धोती है, हाँ जितेंद्र जी, आपको स्कूल लेक्चरर का पेड कोर्स चाहिए कंप्लीट, वो मिल जाएगा, पहले अपने स्टडी कर लें। राजकुमार हेलो, डॉक्टर हरीश कुमार हेलो सर, मनोज कुमार यादव जी सर। जगन अपने कज़न को कहता है कि, वो मैंने आपको बताया कि उसने नमक छोड़ दिया है और वो
एक जिब्बा पहनता है और एक धोती पहनता है, दोनों कोई जो खादी के बने होते हैं, और वो खादी वो खुद ही बुनता है। ही नेवर हैड मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्लॉथ एट ए टाइम। उसके पास हमेशा 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, एक पहन लिए और दूसरे धो लिए। ही सोल्ड एक्स्ट्रा यार्न टू लोकल हैंड लूम कमेटी फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे एल आएगा, हैंड लूम कमेटी है, ये हैंड टूम नहीं है। वो जो बचा हुआ यार्न वो डेली क्या करता है, 1 घंटा डेली चरखा चलाता होता है, और चरखा चलाकर वो यार्न इकट्ठा करता है। वो जो सूत काटता है उस सूत के वो अपना जिब्बा और कुर्ता बना लेता है, और बाकी जो बचा हुआ सूत है वो लोकल हैंडलूम कमेटी को स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी के लिए दे देता है। यानी कि उसे महीने के सिर्फ 5 रुपए से भी कम मिलते हैं इस चीज़ के, लेकिन वो इसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता है क्योंकि वो गांधी जी को मानता है। सिंस गांधी विजिटेड द टाउन, जगन यूज सैंडल मेड ऑफ द लेदर ऑफ एनिमल विच हैज़ डाइड ऑफ ओल्ड एज। जब से गांधी जी मालगुड़ी में आए थे, 1937 में गांधी जी मालगुड़ी में आए थे, आर के नारायणन के सिर्फ 2 ही नॉवल है जिनमें वो गांधी जी का डायरेक्ट रेफरेंस लाता है। एक तो ये है द वेंडर ऑफ स्वीट, और दूसरा है वेटिंग फॉर महात्मा। इन दोनों के अंदर गांधी जी का डायरेक्ट रेफरेंस आता है। जब से गांधी जी टाउन में आए थे, जगन जो है वो एक ऐसे जानवर के सैंडल पहना करता था, ऐसे जानवर के लेदर से बने हुए सैंडल पहना करता था जो कि अपनी डेथ में मरा हो, यानी कि नेचुरल डेथ से मरा हो। इन हिज ड्रेस एंड हैबिट्स ही वाज अ फॉलोवर ऑफ गांधी जी। अपनी ड्रेस और हैबिट्स में वो गांधी जी का फॉलोवर था। ही कोलेक्टेड द हाइड ऑफ अ काउ और काफ विच डाइड अ नेचुरल डेथ, टेंड इट इन द वरांडा ऑफ हिज ओन हाउस एंड देन गोट हिज सैंडल मेड बाय अ कोबलर। वो ऐसे किसी जानवर काऊ या काफ का की खाल इकट्ठी कर लेता और जो कि नेचुरल डेथ में मरा हो उसे अपने घर के वरांडा में टेंड करता, पानी में डालकर उबाल लेता, और फिर वो कोबलर को देकर उससे अपने सैंडल बनवाता। हाउ एवर हिज वाइफ एंड सन व्हेन ही ग्रू अप ऑब्जेक्टेड टू टैनिंग प्रोसेस बिकॉज ऑफ द फाउल स्मेल। उसकी जो वाइफ थी, इसकी वाइफ का नाम था अंबिका और इसका एक ही बेटा है जिसका नाम है माली। तो पहले तो वाइफ इसका ऑब्जेक्शन उठाती थी, बाद में जब बेटा बड़ा हो गया तो बेटा भी इसका ऑब्जेक्शन उठाता था कि पापा आप ये घर में ये टैनिंग करते हो, खाल को पानी में उबालते हो तो इससे बहुत गंदी स्मेल आती है, इसलिए वो इसका ऑब्जेक्शन उठाते थे। देन ही गॉट द नॉन वायलेंट फुटवियर फ्रॉम द कोबलर हिमसेल्फ। तो उसके बाद में उसने कोबलर को डायरेक्ट ही वो ऐसी खाल दे देता और कोबलर उसे नॉन वायलेंट फुटवियर बनाकर दे देता। ही हैड ऑलरेडी गिवन अप शुगर बट आल्सो टेक 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी इंस्टेंट। उसने चीनी भी छोड़ दी थी और चीनी के बदले वो क्या करता था, वो 20 ड्रॉप्स हनी की लिया करता था। नमक भी उसने छोड़ दिया, चीनी भी उसने छोड़ दिया, चीनी के बदले वो शहद लेता है, कपड़े वो खुद के बुने हुए पहनता है। राइस वाज आल्सो नॉट टेकन बाय हिम, और इसके अलावा वो राइस भी नहीं खाता था। अब ये साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन की जो का जो मेन खाना है वो राइस होता है। इट मीन्स जगन ने अपनी जो उसकी जो टेस्ट है उस पर उसने अच्छी तरह से कंट्रोल कर रखा है। द कजन फ्लैटर्ड जगन बाय सेइंग दैट ही हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ लिविंग ऑन नथिंग। जो कजन है वो जगन की ये कहकर चापलूसी करता है कि तुमने आर्ट ऑफ लिविंग ऑन नथिंग, तुमने किसी भी चीज पर, मतलब तुमने शून्य पर जीना सीख लिया, तुमने इस आर्ट को, इस जीने को परफेक्ट कर लिया है। ही आस्क्ड जगन Why he had been working and earning? भी तुम कमा क्यों रहे हो, तुम काम क्यों कर रहे हो, उसने जगन से ये पूछा। As the counting hour approached, the cousin left the shop because जगन did not like the cash to be watched to anyone. इसके बाद में जब काउंटिंग आवर आया, काउंटिंग आवर मतलब जब वो दिन की सारी कमाई को काउंट करता था, इसको नाम दिए उसने काउंटिंग आवर। जब काउंटिंग आवर आता है तो कज़न जो है वो शॉप को छोड़ देता है क्योंकि जगन को ये पसंद नहीं था कि कोई भी
उसके कैश को गिनते उसको कैश गिनते हुए देखे, उसको ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए कज़न अपने आप चला जाता है बाय 6 इन द इवनिंग। अब देखिए इसकी जो सेल्स है, ये सेल को दो बार काउंट करता है, पहली बार काउंट करता है शाम को 6 बजे, बाय 6 इन द इवनिंग द पीक सेल्स वर ओवर, जो सबसे ज़्यादा सेल होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। एंड फ्रंट स्टॉल बॉय ब्रॉट ऑल द मनी टू जगन, और जो फ्रंट का जो स्टॉल का वो लड़का था वो सारे पैसे लेकर जगन पर आ जाता था। जगन हैड 4 cooks एंड ए फ्रंट स्टॉल बॉय इन द शॉप, ये बात आपको याद रखनी है कि जगन के पास 4 cook थे और एक फ्रंट स्टॉल बॉय था। उसकी शॉप पर काम करने वाले टोटल 6 जने होते हैं, 4 तो कुक हो गए, 5वां फ्रंट स्टॉल बॉय हो गया और एक बाद में आएगा जो कि उसका चौकीदार है जिसे वो कैप्टन कहेगा, यानी कि टोटल शॉप में 6 का स्टाफ है। जगन जो है वो सारा दिन चेयर लेकर बैठा रहता है। जगन्स चेयर वाज लाइक अ थ्रोन विच वाज अ सेंचुरी ओल्ड, जगन की जो पुरानी सी कुर्सी है वो एक सिंहासन की तरह थी जो कि लगभग 100 साल पुरानी थी। इट वॉज गॉट फॉर मिस्टर नोबल एंड इंग्लिश मैन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब इसकी भी एक कहानी है कि एक ये मिस्टर नोबल जो कि एक अंग्रेज़ थे और वो मालगुड़ी के कलेक्टर थे, उनको एक बार भाषा सीखनी थी, संस्कृत लैंग्वेज सीखनी थी, तो जगन के जो दादाजी थे उन्होंने उसको संस्कृत लैंग्वेज सिखाई थी। और उसके क्योंकि वो जो अंग्रेज़ थे ना उसको बैठने की हैबिट नहीं थी ज़मीन पर, साउथ इंडियन तो सारे ज़मीन पर बैठते थे तो उसको बैठने की हैबिट नहीं थी, इसलिए उसके लिए एक कुर्सी बनाई गई थी। अब जब मिस्टर नोबल वापस चले गए तो वो कुर्सी जो थी वो वेस्ट हो गई और बाद में जगन ने जब शॉप खोली तो उसने वो कुर्सी को वहाँ यूज कर लिया। देयर वॉज एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर नोबल विच वॉज ए प्राइड पोजेशन एंड डम्प्ड इन द लॉफ्ट ऑफ द हाउस, उनके पास मिस्टर नोबल का एक पुराना सा फोटोग्राफ भी था जो कि उनके लिए एक प्राइड पोजेशन था, बड़ी दिखाने वाली चीज़ थी उनके लिए कि देखो हमारे यहाँ पर अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। और बाद अब वो जो पुराना फोटोग्राफ है वो अब वो घर की जो डायरी है वहाँ पर रखा हुआ है। वाइल द स्वीट्स वर बींग फ्राइड एंड सिजलिंग साउंड नॉइज इन किचन कंटिन्यूड एंड ट्रे पास्ड ही रीड द वर्सेस फ्रॉम द गीता। अब जगन क्या करता था, सारा दिन अपनी शॉप पे बैठा रहता था, जब तक मिठाइयाँ तली जाती थी और वो जो शोर शराबा सा आता रहता था किचन में तब और ट्रे की आवाज़ चलती रहती थी तब तक जगन जो है वो गीता में वो बैठकर भगवत गीता के श्लोक पढ़ा करता था। व्हेन द सिजलिंग नॉइज स्टॉप्ड इन द किचन ही आस्क द हेड कुक, जब ये सिजलिंग नॉइज किचन में आना रुक जाती, कोई बात हो जाती तब वो हेड कुक से पूछता। अब ये भी क्वेश्चन आता है हेड कुक का नाम क्या, हेड कुक का नाम है शिवरमन, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि हेड कुक का क्या नाम है, शिवरमन है। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जगन की जो चेयर थी वो किसके लिए बनाई गई थी, मिस्टर नोबल के लिए बनाई गई थी, जगन के कितने कुक थे, 4 cook थे और फ्रंट स्टॉल बॉय थे एक था, और इनके हेड कुक का क्या नाम है, शिवरमन है। फिर वो शिवरमन से पूछता कि क्या हुआ, दैट्स हाउ ही केप्ट वॉच ऑन ऑल द एक्टिविटी, इस तरह से वो सारी एक्टिविटी पर ध्यान रखता था। ही हैड एम्प्लॉयड अ वॉचमैन ए खाकी क्लैड एक्स आर्मी मैन, इसके अलावा इसके पास एक वॉचमैन भी था जो कि एक खाकी पहना हुआ एक्स आर्मी मैन था। जगन गेव ए शाउट टू वेक हिम अप एंड आस्क हिम नॉट टू अलाउ एनी बेगर एट द शॉप एक्सेप्ट ऑन फ्राइडेज। अब ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जगन की जगन क्या करता था कि जगन ये जो वॉचमैन था ये सो जाता था तो जगन उसको थोड़ा आवाज़ मारकर जगा देता और उसे कहता कि भैया शॉप पर किसी भिखारी को ना आने दो, सिर्फ शुक्रवार को फ्राइडे कोई भिखारियों को आने की परमिशन थी। तो अब ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि भिखारियों को आने की परमिशन कब थी, फ्राइडे को थी। जगन काउंटेड All the cash brought to him by 6 and put it safely. जो भी कैश 6 बजे तक आता था जगन सारा काउंट कर उसे रख देता था। The cash brought to him in second installment at 7 was also stored carefully without counting. अब जो 6 बजे के बाद 7 बजे तक जो सेल होती थी, जो कैश आता था
वो उसे भी काउंट कर उसे भी स्टोर कर लेता था, लेकिन उसको ना एंट्री नहीं करते थे। 6 बजे तक का जो कैश था उसकी एंट्री वो कर देते थे, उस पर वो टैक्स भी देते थे, सेल टैक्स भी देते थे, लेकिन 6 बजे के बाद, 6 से लेकर 7 बजे के बीच में जो कैश आता था वो उसकी एंट्री नहीं करते थे अपने कैश बुक लेजर के अंदर। द लेफ्ट ओवर ट्रेज वर स्टॉक्ड, उसके बाद में जो बचा था वो सारा का सारा सामान इकट्ठा कर लेते। द हेड कुक प्रोमिस टू ट्राई ए न्यू स्वीट फॉर द नेक्स्ट डे, इसके बाद हेड कुक कहता भी कल मैं कोई नई मिठाई बनाऊंगा। ही वुड पुट ओवर द लेफ्ट ओवर स्वीट्स एंड फ्राई देम अफ्रेश इन ए न्यू शेप, जो भी हमारे पास बची हुई मिठाइयाँ हैं ना उन सारी मिठाइयों को मैं तल कर एक नई शेप में बिल्कुल फ्रेश कर दूंगा। इसके बाद में वो स्टाफ की छुट्टी कर देता। व्हेन हिज स्टाफ वाज गोन ही मेड ए टोटल काउंट ऑफ कैश, मेड एन एंट्री इन स्मॉल नोटबुक एंड लेजर। जब सारा स्टाफ चला जाता, अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जगन 2 बार कैश क्यों मंगवाता था। तो 2 बार कैश मंगवाने का एक बड़ा कारण ये था कि किसी को पता नहीं चलेगा अभी टोटल सेल कितनी हुई, क्योंकि एक बार वो सेल 6 बजे तक की आती और उसके बाद 7 बजे तक की सेल आती, किसी को पता ना चले, इसलिए वो 2 बार कैश मंगवाता था। द कैश रिसीव्ड आफ्टर 6 वाज यूज एज ए फ्री कैश विदाउट एनी रेफरेंस टू टैक्स एंड वाज टेकन होम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 बजे के बाद वाला जो कैश आता था जगन उसकी किसी भी कैश बुक लेजर के अंदर एंट्री नहीं करता था और वो उसको डायरेक्ट घर ले जाता था। ही लॉक्ड द हैवी लॉक एंड आस्क्ड द वॉचमैन हुम ही कॉल्ड कैप्टन। अब मैंने आपको उसका नाम पहले ही बताया था, मैंने कहा कि इसका नाम है कैप्टन। तो एक हमारे को 2 के नाम पता है, एक है हेड क्लर्क जिसका नाम है शिवरमन और दूसरा इसका जो वॉचमैन उसका नाम है कैप्टन। देन द कैप्टन गेव जगन अ मिलिट्री सल्यूट, दिस इज हाउ द डे एंडेड। अब इसके बाद में क्या करता, 7 बजे के बाद जब वो शॉप को एंड करता था, शॉप को मंगल करता था, तो वो एक बड़ा सारा हैवी लॉक लगा देता और वॉचमैन जो है वो उसको अच्छी तरह से झटका देकर चेक करता था कि यहाँ ताला लग गया है। देन द कैप्टन गेव जगन अ मिलिट्री सल्यूट, हाउ इट्स हाउ द डे एंडेड। ये जगन की रोज की लाइफ थी, जगन डेली ऐसा करता था। डेली शाम को 6 बजे कैश आता उसको काउंट करता, फिर 7 बजे कैश आता उसको काउंट करता, लेकिन 7 बजे वाले कैश की एंट्री नहीं करता था। अगर उसकी दुकान पर काम करने वाले 4 कुक थे और एक फ्रंट स्टॉल बॉय था, मेन हेड कुक का नाम था शिवरमन। जो भी मिठाई बच जाती शिवरमन रोज यही कहता था भी कल मैं एक नई मिठाई बनाऊंगा, ये जो बची हुई मिठाइयाँ वो उसके अंदर बिल्कुल दोबारा तलकर बिल्कुल नया पीस बना दूंगा। जाते वक्त जगन जो है वो उसका जो वॉचमैन है जिसका नाम है कैप्टन, ये एक एक्स आर्मी मैन है और ये इसका एक काम तो ये है कि वो जाते वरी शॉप का ताला चेक करना है और दूसरा इसका काम है कि दुकान पर कोई भिखारी ना आए, भिखारी को आने की परमिशन सिर्फ शुक्रवार को है। When जगन walked back home by 7:30, there was a full on market road। इसकी घर जाने वाली रोड का नाम है मार्केट रोड और लगभग 7:30 बजे वो अपने घर की तरफ चल पड़ता। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट करेक्ट यहाँ पे नाम आया है, द कृष्णा डिस्पेंसरी। ये जो मालगुड़ी गेज जो है, मालगुड़ी डेज जो है, इसके अंदर सब कुछ फिक्स है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमें पता है कि हमें सोडा कहाँ से मिलेगा, अब्दुल की शॉप पर मिलेगा, तो ये जो मालगुड़ी डेज है इसके अंदर सब फिक्स है। इसकी शॉप पर सब फिक्स है, तो यहाँ पर वो कहता है कि द कृष्णा डिस्पेंसरी वाज ओपन। यहाँ पे जो डिस्पेंसरी उसका नाम है कृष्णा डिस्पेंसरी एंड डॉक्टर कृष्णा, और इसकी इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कृष्णा, यानी कि मालगुड़ी डेज में डॉक्टर कौन है, सिर्फ डॉक्टर कृष्णा है। डॉक्टर कृष्णा एक पेशेंट को देख रहे थे। ए स्ट्रे डॉग वाज लाइंग देयर, वहाँ पर एक आवारा कुत्ता भी सो रहा था। द ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस, अब एक यहाँ पर मालगुड़ी डेज के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम है द ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस, इसके ओनर का नाम है नटराज। द ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस ओवन्ड बाई नटराज वॉज आल्सो क्लोज बट अ लाइट वॉज स्टिल अंडर द डोर।
अब ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी जो ओनर है नटराज, वो ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस भी बंद है, लेकिन नीचे लाइट चल रही है। इफ जगन हैड नॉक्ड इट्स डोर एंड आस्क्ड इफ हिज बुक वॉज रेडी, द ओनर वुड ऑफर सम एक्सक्यूज। जगन ने इसको एक किताब लिखने को दे रखी है, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने पूछ रखा है। उस किताब का क्या नाम था? तो उस किताब का नाम था नेचर क्योर एंड नेचुरल क्योर एंड नेचुरल डाइट। जगन ने किताब उसको दे रखी थी, काफ़ी टाइम से इसने नटराज को कोई किताब छापने को दे रखी है, पर नटराज ने किताब छापी नहीं है। जब भी कभी वो पूछता है कि क्या हुआ मेरी किताब का, तो नटराज कहता है कि उसके टाइप नहीं मिले हैं या कोई और बहाना लगा देता है। ही वॉज वेटिंग टू बी पब्लिश फॉर मैनी ईयर्स। इसका जो सबसे बड़ा काम है नेचुरल क्योर एंड नेचुरल डाइट, ये काफ़ी सालों से छपा नहीं है। ही हरिड होम बिकॉज हिज सन मस्ट बी लोनली देयर। उसको लगता है, उसको ये लगता है कि अगर मैं फटाफट घर जाऊं क्योंकि मेरा बेटा शायद वहां पर अकेला होगा। इसका बेटा है जिसका नाम है माली। ही पास्ड अलोंग द डार्क कबीर लेन। वो अंधेरी कबीर गली से गुजरता है। एट द जंक्शन ऑफ मार्केट रोड एंड लाली एक्सटेंशन देयर वॉज ए शॉर्ट पैरापेट। पैरापेट होता है चबूतरा। मार्केट रोड और लोली एक्सटेंशन के जहाँ पर मिलती है वहाँ पे एक छोटा सा चबूतरा था। एज यूजुअल ए वैग्रेंट वॉज सिटिंग देयर स्टेयरिंग एट द पासर बाय। हमेशा की तरह वहाँ पर एक वैग्रेंट, एक घुमक्कड़, एक भिखारी बैठा था जो आने जाने वाले लोगों को देख रहा था। जगन न्यू दैट द वैग्रेंट वुड ईट फ्रॉम द लीव्स थ्रोन बाय द पीपल विद सम राइस एंड वेजिटेबल लेफ्ट ऑन देम। उसे पता था कि ये जो भिखारी है, उसे पता था कि ये जो भिखारी है, ये जो लोग यहाँ पर से गुजर रही हैं, और वो जो लोग अपने खाली पत्तल फेंकेंगे, उन पत्तलों पर कुछ चावल, कुछ सब्जियाँ लगी होंगी, वो उनको खाएगा। जगन रिफ्लेक्टेड दैट पीपल शुड यूज़ प्लेट्स इन प्लेस ऑफ लीव्स। जगन ने सोचा कि लोगों को पत्तियों के बदले, पतलों के बदले प्लेटों का यूज करना चाहिए। बट देन सेड टू हिमसेल्फ दैट दैट वुड थ्रो द पीपल इंगेज इन लीव ट्रेडिशन ट्रेड आउट ऑफ प्रोफेशन। पहले तो उसने सोचा कि लोगों को ना स्टील की प्लेटें यूज करनी चाहिए या सिल्वर की प्लेटें यूज करनी चाहिए, लेकिन बाद में उसने ये सोचा कि अगर लोग प्लेटें यूज करेंगे तो जो लोग इन पत्तल दोनों के कारोबार में लगे हुए हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए उसने इस बात को छोड़ दिया। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड इन मेकिंग पत्तल आउट ऑफ बनाना लीव। बहुत सारे लोग जो हैं वो केले की पत्तियों के पत्तल बनाया करते हैं, और लोग इसके लिए बकायदा केले उगाते हैं। साउथ इंडिया में केले के पत्तल पर खाना खाया जाता है, तो इसलिए ये वहाँ का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है। द वैग्रेंट वुड आस्क फॉर अलार्म्स एट द हाउसेस। अब ये जो वैग्रेंट है, ये लोगों के घरों में जाकर भीख भी मांग सकता है। थिंकिंग ऑल दीज नेशनल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जगन रीच हिज एंसेस्ट्रल होम। इन सारी देश और इन दुनिया की समस्याओं को, इंसान की समस्याओं के बारे में बात करते हुए जगन जो है वो अपने पुश्तैनी घर पहुंच जाता है। तो इस तरह से आज हमने जो ये जो द वेंडर ऑफ स्वीट है, ये 13 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका लगभग जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसी टाइम दोबारा से लाइव क्लास लेंगे। अगर आपको कोई क्वारी हो तो जो मेरा फ़ोन नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई पेड कोर्स ख़रीदना हो तो भी आप ज़रूर इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।